शादी हो फिर आगे मत बोलिए रची जी, हम आपके बच्चों के डायपर बदलने के लिए नहीं है। कसम है हम अपने संग जीती, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। यार पापा से बात करने के लिए तो आपकी जबान में जो ताला है वो तो आपसे टूटता नहीं है। अरे लची जी, हम क्या कर सकते हैं? आपके पापा हर चलते फिरते रिश्ते को ना ऐसे बॉल की तरह लपक लेते हैं, हम क्या करें? और चांदनी चौक में ना उन्होंने स्पेशल बंदे रखे हुए हैं आपके लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, और कितनों को तो हमने भगाया। हाँ तो आप ना पहरेदार बन के रहिए, और वहाँ पे ना आपका जो ये माल है उसे कोई और ले जाएगा। तो एलआईसी जी, अपने माल को बचाने के लिए हम क्या करें बताइए ना। अरे बात करिए पापा से, कितनी बार बोलूं मैं। एलआईसी जी, हमें पहले ही बता चुके हैं हम अभी अच्छी स्थिति में नहीं है। सेठ जी अपनी लड़की किसी फक्कड़ को क्यों देना चाहेंगे? तो ये जो फक्कड़ है ना वो ऐसा ही करता रहे और उसके बाद ना उसके हाथ से ये चीज निकल ही जाएगी। जीजा जी, या तो मैं पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, या तो फिर उन्हें मैं हमारा सच बता दूं। और जीजा जी, टू बी ऑनेस्ट, आप मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये क्या तरकीब है, आगे कुआं पीछे खाई? अरे देखिए, जोश में कोई फैसला मत लीजिए लची जी, वरना सेठ जी हमें इस घर से तड़ी पार कर देंगे। जीजा जी।